आई होप कि शुरू हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सनडेक मसाला के एक और फ्रेश कमाल और लाइव एपिसोड में। और बहुत दिनों के बाद लाइव कर रहा हूँ, आई होप कि ये चल रहा हो, क्योंकि दिख तो रही है ऐसा कि भैया लाइव चला है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कुछ सवाल जवाब की। आप जो है वो लाइव सवाल तो खैर यहाँ पे पूछ ही रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मेरे पास में कुछ और सवाल भी हैं जिनको मैंने पिक किया था ट्विटर से, जहाँ पे आपने ट्वीट किया था #BoloGuruji के साथ में। और अभी अगर लाइव से चलता रहा तो मैं खैर अभी ज़्यादा कुछ बिजी नहीं हूँ, तो कुछ लंबी देर तक शायद हम बातें और खींच लें, ऐसे में शायद आपके जो सवाल जवाब हैं उनका और बेहतर तरीके से जवाब दे पाऊँ। बिकॉज हमेशा यही होता है कि मुश्किल से 30-35 सवाल आते हैं, लेकिन ऐसे में आज क्योंकि जो आप सामने देख रहे हैं तो ऐसे में मेरे को मालूम है कि हाँ भाई हम जो है वो लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं और थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अगर चीज़ ऐसी ही चलती रही तो शायद मैं महीने में 1-2 बार ऐसे लाइव स्ट्रीम किया करूँगा, और बाकी 1-2 बार जो है वो हम यूज़ करेंगे यूट्यूब प्रीमियर्स का। दोस्तों यहां पे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यहां पे मैं देख रहा हूं कुछ 2000 लोग लाइव देख रहे हैं, क्या बात है, इसका मतलब हम सभी जुड़ चुके हैं। कनेक्शन मेरे ख्याल से सब कुछ सही है, अगर आपको आवाज सही से आ रही है तो आप लिख डालो सामने हां हां हां, यस यस यस। लेकिन लाइक 324 ही हुए हैं, अगर आप लाइक को भी इक्वल कर दोगे, थोड़ा सा दबा दोगे तो मेरे को मालूम चल जाएगा कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो एकदम फर्स्ट क्लास। फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं अपने iPhone XS Max का फ्रंट फेसिंग कैमरा इस लाइव स्ट्रीम के लिए। MacBook का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा वो इतना अच्छा होता नहीं है, वेबकैम मेरे पास में था नहीं, और मैं फिलहाल हूँ दिल्ली में, मैं मुंबई में था कल, आज सुबह दिल्ली आया हूँ। और ऐसे में लैग मत लिखो, ये लैग वैग की सब गलत बात है, कोई लैग नहीं हो रहा है यार। हाँ तो हो रहा है मेरे दूसरे फोन में, एक बार चला के देखता हूँ पहले, क्योंकि मैंने पहले एक बार अनलिस्टेड को ट्राई किया था, ऑल्दो जो मैं प्लान कर रहा था वैसा लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया, अदरवाइज और बेहतर बात होती। लेकिन यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर मालूम चल जाएंगी। और वीडियो 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 प्ले होना, यार क्या हो गया, चल तो रहा चाहिए। हाँ ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से तो चल रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इधर इस फोन में अगर प्ले करूंगा ये देखो यार फर्स्ट क्लास तो चल रहा है। चलो तो दोस्तों यहाँ पे भी हम बात करते हैं सवाल जवाब की, और ऐसे में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ 6000 लोग लाइव आ गए हैं, तो ऐसा मतलब काफ़ी दिनों बाद आया, लेकिन फिर भी जो है वो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा रहा लाइव आना और बात करना आपसे। तो यहाँ पे दोस्तों भी करते हैं शुरुआत, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से जिसको पूछा है सरफराज अंसारी ने, और ये बोलते हैं कि आप 40 जवान शहीदों के परिवार को कुछ मदद राशि दीजिए #BoloGuruji। सरफराज पहली बात तो ये कि जो टोटल नंबर है वो 44 जवानों का है, और ऐसे में जो ये हादसा हुआ ये बहुत शर्मनाक है, बहुत एक बुरी खबर है हम सभी के लिए। और यहाँ पे जहाँ तक हम बात करते हैं मदद की, तो मदद हम सभी को करनी चाहिए, हम सभी करते भी हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं डोनेशंस की या ऐसी किसी चीज़ की, तो ये अगर हम पर्सनल रखें अपने आप तक तो शायद ही ज़्यादा बेहतर होगा, न कि सिर्फ किसी दिखावे के लिए अगर आप करें इस चीज़ को तो उससे बेहतर ही होगा अगर आप अपने सच्चे दिल से करें। मैंने अपना हिस्सा पूरा किया, मैंने जितना मेरी तरफ से बन पड़ता है मैं बीच बीच में करता भी रहता हूँ। और जहाँ तक बात है इस पूरे हादसे की, तो यार डेफिनेटली एक बहुत मतलब गुस्सा भी आता है इस चीज़ को लेकर, बुरा भी लगता है इस चीज़ को लेके, दुख भी होता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए जितना जैसा बन पड़ता है हमारी सरकार जरूर करेगी अभी ऐसे में। लेकिन हाँ, हम ये बात नहीं कर सकते कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, डेफिनेटली हमें इतनी समझ नहीं है इस चीज की। जो ये देश चला रहे हैं, जो लोग अथॉरिटीज जो समझती है इन सब बातों को, वो बेहतर फैसला लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि डेफिनेटली जो है वो कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो हम कर सकते हैं वो मदद कर सकते हैं, ये शायद ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप और मैं अगर गुस्सा भी करें तो उस गुस्से का हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात तो एक सच है। तो ऐसे में हम जो बेहतर कर सकते हैं वो ये कि इससे सीख ले और ये सोचे कि हम कैसे एक साथ मिलके आ सकते हैं, और अगर हम मदद कर पाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने अपना काम किया है, ऑल्दो आप सभी से भी मेरी अपील यही रहेगी, और जो आज शाम को मैं ये वीडियो लाइव कर रहा था इसका मतलब कुछ ऐसा ही था कि अगर हम साथ मिलके कुछ कर पाए, लेकिन वो हो नहीं पाया पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास में फिलहाल एक विंडोज़ लैपटॉप नहीं है, उसके लिए विंडोज़ लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास में फिलहाल मैक है। तो लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं कुछ और चीज़ें प्लान कर रहा था, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम ज़रूर कल कुछ करेंगे, कल मतलब कल शाम को मंडे को, अगर चीज़ें ठीक रही, अगर सब कुछ काम बन पाया तो वो काम भी हम करेंगे, जो अगेन एक काफ़ी चीज़ ऐसी है जो मैं शुरुआत से कोशिश कर रहा था करने की। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे मेरा जो है मैसेज आप सभी के लिए यही है कि आज की डेट में अगर हम साथ खड़े हैं तो सिर्फ
व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे जो हम मैसेज भेजते हैं उसके बजाय अगर हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, फिर चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, चाहे वो 20, 50, 100, 500, 1000, 10000 जो भी होता है, आपकी तरफ से जितनी अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो वेबसाइट है bharatkevir.gov.in वहां पे जाके, या फिर पेटीएम पे, आपको मालूम है कि अभी डायरेक्टली एक शॉर्टकट आ गया है, ऑल्दो पेटीएम मैं यूज नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरा कुछ केवाईसी अपडेट वगैरह का जो भी इशू है, लेकिन हाँ आप इन दोनों में से जो आपको बेहतर लगता है उसके चलते जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं। और ऐसे में मैंने इनफैक्ट जब खोल के देखा भारत की वेबसाइट को तो मुझे ये जान के भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार ट्रैक कर रहा था जब मैंने अपना कंट्रीब्यूशन किया कि उसमें जो दोस्तों जितने भी जवान थे सीआरपीएफ के जो शहीद हुए उन सभी के अकाउंट्स, मतलब उन सभी के बारे में, उन सभी के नाम और उन सभी के बारे में डिटेल्स थी, लेकिन दोस्तों ऑलरेडी लोग जो है वो काफी तेजी से डोनेट कर रहे थे। इसमें हर एक सैनिक की जो लिमिट होती है वो होती है करीब 15 लाख रुपए की, और ऑलरेडी काफी ज्यादा डोनेशंस हो चुके थे। और अभी अगर आप देखेंगे तो सभी का जो नाम है वो शायद आपको वहां पे नहीं मिलेगा, बिकॉज जो राशि है 15 लाख की वो पूरी सबने मिलकर जुटा ली है, लेकिन फिर भी हम जो है दोस्तों मदद चाहे जितनी कर दें हमेशा कम ही लगती है। तो मेरी आपसे अपील यही है कि आप जितना ज्यादा हो सके अपनी तरफ से, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से जरूर इस चीज में कंट्रीब्यूट कीजिए। और अभी जो आप सुपर चैट कर रहे हैं वो बस उड़ के जा रहा है, तो सुपर चैट के लिए एक छोटी सी अपील ये है कि आप अभी अगर सुपर चैट नहीं करोगे वो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं इसको लेके कुछ और चीज प्लान कर रहा हूं, एक अलग तरीके से प्लान कर रहा हूं, थोड़ा सब्र कीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम शायद कल शाम को जो है वो लाइव आगे कुछ काम कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी मिल रही है इस वीडियो में आपसे बात करते हुए, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, मेरे को दिमाग में होता है कि यार जो कैमरा की बैटरी है वो खत्म हो जाएगी, मेमोरी कार्ड भर जाएगा, या फाइल बहुत लंबी बन जाएगी, फिर एडिट करना पड़ेगा। लेकिन अभी एटलीस्ट लाइव है तो मैं जितना चाहे उससे, मतलब जो है बिना रुके आपसे बात कर सकता हूँ, और ऐसे में थोड़ा धीरे धीरे आराम से बात कर सकता हूँ, तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी अभी तक पसंद आ रही है चीज़ें तो थोड़ा सा लाइक के बटन को जोर से दबा दो, बिकॉज यहाँ पे 2500 लाइक हुए हैं लेकिन देख रहे हैं 5600 लोग, तो भैया थोड़ा जोर से दबाओ लाइक के बटन को। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे क्रेजी फॉर हेल्प दिलीप जोशी ने, ये बोलते हैं कि इंडिया में रेडमी नोट 7 की प्राइस क्या होगी और Samsung M30 की बोलो गुरुजी। यार दिलीप, मैं एग्जैक्ट प्राइस तो आपसे खैर शेयर नहीं कर सकता फिलहाल, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं Samsung M30 की तो जो रूमर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 15000 के आसपास शायद कीमत शुरू हो सकती है। अगर आप बात करते हैं ऐसे में Xiaomi की तरफ से, तो ऐसे में जो Redmi Note 7 है वो, खैर हम पहली बात तो ये देखेंगे कि यार Redmi Note 7 आता है या Note 7 Pro आता है या दोनों आते हैं। दूसरी बात जहां तक बात है प्राइस की, तो आई एम श्योर कि जो Xiaomi का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आपको एक काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस देखने को मिलती है, तो Xiaomi इस बार भी जो भी फोन्स लेके आता है इंडिया में, जैसे भी लेके आता है 28 तारीख को खैर मालूम चल जाएगा, उस टाइम पे हमको डेफिनेटली एक बेहतर प्राइस मिलेगी। और अगेन मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पे जो कस्टमर्स हैं, जो आप लोग फोन बायर्स हैं, आपका काफी फायदा होगा, क्योंकि ऐसे में काफी सारे जो है वो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने बजट में, जिसके बाद में आप अपने लिए सबसे बेहतर डिवाइस को चूज कर पाएंगे। अगला सवाल बोला है यहाँ पे तनबीर हुसैन ने, ये पूछते हैं कि अगर आईफोन इस साल नया आईफोन लेके आए तो क्या आप उसका गिव अवे करोगे, लव यू भैया, बेस्ट ऑफ लक। तनबीर, बात कुछ ऐसी है कि डेफिनेटली एप्पल तो अपना आईफोन लेके आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाला है, लेकिन गिव अवे की जहाँ तक बात है वो हम सोचते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। हाँ जहाँ तक है डेफिनेटली कोशिश तो पूरी रहेगी, लेकिन गारंटी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आप इसको हाँ खैर मान सकते हैं। फिलहाल के लिए जो 10S का गिव अवे था उसके विनर्स जो हैं मेरे से बात हो चुकी है, जो असली विवेक कुमार हैं मैं उनसे बात कर चुका हूँ, वह बेंगलोर के पास कहीं पर रहते हैं, कुछ शायद 40 किलोमीटर दूर उनकी कुछ जगह है बेंगलोर के पास में, तो मैं उनसे जाके जल्दी ही मिलने वाला हूँ। जैसे ही मैं अगली बार इंडिया आता हूँ तो उनके घर जाके मैं उनको देने वाला हूँ उनका ब्रांड न्यू फोन। इसके अलावा जो 10R के विनर थे, सरदार जी नाम था गुरप्रीत, वो शायद पंजाब में कहीं के थे, उनको तो उनका फोन खैर घर पर मिल चुका है ब्लैक कलर का 10R, और बाकी जो गिव अवेज वगैरह खैर वो मुझे मालूम है कुछ पेंडिंग है चल रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें अगर हो जाएंगी। और आपके लिए हमेशा से मेरी कोशिश ये रहती है यार कि जितना ज्यादा हो सके उतना जो है वो कुछ ना कुछ, जितना मेरी तरफ से बन पड़ता है मैं उतना आपके लिए लेके आता रहूं, हमारे काम में हम फोकस्ड रहें, कुछ बिना राइट लेफ्ट डाइवर्ट होते हुए, और बस ऐसे ही काम करते रहे, फिर चाहे वो गिवअवेज हो, फिर चाहे वो अनबॉक्सिंग वीडियोस हो, या फिर चाहे वो टेक एक्सप्लेन्ड वीडियोस हो, या फिर टिकटॉक्स हो, या फिर ये सिनेटिक मसाला हो, और या फिर कोई व्लॉग हो। बात करते हैं अगले सवाल की, तो पूछा है यहाँ पे राहुल ने, ये बोलते हैं कि सर एग्जाम्स आने वाले हैं और अब बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं कर, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, सर प्लीज कुछ टिप्स दो। यार सर मत बोलो,
मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी फैमिली प्रेशर में मैथ्स लेनी पड़ी, तो अब आगे क्या करूं और ट्वेल्थ के बाद क्या करूं, क्योंकि मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ आंसर। राहुल, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होना एक मतलब डेफिनेटली कंसर्न है अगर आप मैथ्स पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसमें तो जितना आपको टू द पॉइंट मतलब स्पेसिफिकली अभी जो है वो आपको एजेंडा बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा कि आप जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप पूरा किताब का एकदम बोझ अपने ऊपर ले लें। आप स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज पढ़ाई करो, कुछ टॉपिक्स आसान होते हैं, कुछ टॉपिक्स है थोड़े से मुश्किल लगेंगे आपको, ऐसे में एजेंडा बनाऊं कि आप भैया जो है वो एग्जाम में कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आता है, किसका कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे तो शायद आप बेहतर तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे एग्जाम्स के लिए। बात करते हैं इसके बाद आगे क्या करना है, तो लेट्स से अगर आप जो है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, मैथ्स मेरे को मालूम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंजीनियरिंग का, लेकिन एकदम वाइट वॉश करके जीरो से कोशिश कीजिए कुछ नया सीखने की और मतलब जो है कुछ नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने की, तो इंजीनियरिंग में एटलीस्ट जितना एलिमेंट्री का नहीं होता, काफ़ी एडवांस्ड होता है, लेकिन फिर भी जो बेसिक मैथ का पोर्शन है उसका आप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं क्योंकि वो मैथ का कोई लिंक नहीं होता है, वहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन ही होती है, और इंजीनियरिंग में तो मजे की बात है कि आप कैलकुलेटर को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो आप मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं या फिर जो आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में सोचिए, लेकिन फिलहाल जो चीज़ आपके हाथ में है, जो आपको मालूम है कि एग्जाम्स होने ही है मार्च में, उसको लेकर थोड़ा सा एजेंडा बनाइए, उसके बाद में प्लानिंग कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम काफी अच्छा होगा। बात करते हैं अगले सवाल की, तो पूछा है यहां पे लीजो चिरंबन जोस ने। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी आप सामने कमेंट कर रहे हैं यार, प्लीज आप ये जो कमेंट है ये अभी अगर ना करें आराम से छोड़ दें कमेंट लिखना, सिर्फ अपना वीडियो देखें आराम से, बिकॉज अभी मैं यहां पे सवाल ले रहा हूं, उसके बाद में जो कमेंट्स है उनसे सवाल लूंगा, तो अभी के लिए मेहनत मेरी वेस्ट मत करो, बिकॉज एनीवेज मैं यहां पे पढ़ रहा हूं जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, बाद में आराम से बात करूंगा आपसे, टेंशन मत लो, हम काफी लंबी बात करने वाले हैं मेरे ख्याल से, अभी तो टाइम भी मेरे पास में घड़ी नहीं है, ऑल्दो लेकिन 9:04 हुए हैं तो अभी टाइम है आराम से बात करने का। यहां पे अगला सवाल है लीजो चिरंबन जोश का, ये बोलते हैं कि कैन यू मेक अ वीडियो ऑन व्हाट्स इन माय फोन। यार ये एक अच्छा आइडिया है और मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है और ज़रूर कोशिश करूंगा इसको लेके, अगर मैं एक वीडियो बना पाऊँ जहाँ पे डेफिनेटली मैं चाहता भी हूँ, ऑल दो इतना कुछ स्पेशल नहीं है मेरे फ़ोन में, बिल्कुल सिंपल सा सेटअप रहता है, काफ़ी चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती हैं, ज़्यादा मैं ऐप्स वगैरह यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ज़रूर कोशिश करूँगा अगर मैं ऐसा वीडियो बना पाऊँ तो बहुत ही जल्दी, जहाँ पे बताऊँगा कि मेरे आईफोन में क्या है, मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में क्या है, कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ, कैसा मेरा सेटअप है और जो मैं यूज़ करता हूँ वो आखिर मैं क्यों यूज़ करता हूँ। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सोनी नॉलेज ने, और ये बोलते हैं कि गुरुजी आप इतने बड़े मुकाम पे हो, ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला है, बताना ज़रूर। यार नहीं मेरे भाई, मैं कुछ खास मुकाम पे नहीं हूँ, मैं फिलहाल जो भी हूँ वो बस अपनी तरफ से कुछ अपना एक शौक में जो है वो YouTube रन करता हूँ। मैं जानता हूँ ये चीज़ बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूँ, मैं आप जैसा ही हूँ, और इनफैक्ट मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे कुछ नया सीख पाऊँ, आपसे बात कर पाऊँ, तो कुछ चीज़ें आपकी तरफ से मुझे सीखने को मिलती हैं, कुछ कोशिश करता हूँ जो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, लेकिन जहां तक बात करते हैं आप सपोर्ट की, तो यार सपोर्ट डेफिनेटली आप ही का है और वो आप ही का पूरा प्यार है जिसकी वजह से आज हम कुछ हासिल कर पाए हैं। और ऐसे में मैं अगर बताता हूं कि मैं हर रोज 2 वीडियोस बनाता हूं, तो हर रोज 2 वीडियोस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप एक दिन में चाहें तो 4-5 वीडियोस भी बना सकते हैं, लेकिन जो मुश्किल काम है वो ये कि आप पिछले 3 साल से 3.5 साल से 2.5 साल से रोज़ाना बिना रुके 2 वीडियोस बनाएं, तो वो डेफिनेटली मुश्किल है। और ऐसे में जहाँ पे ये बात आती है मुश्किल की, तो मुझे यार जो आप ही का सपोर्ट है वही आगे लेके आता है कि यार हम जो हैं वो डेफिनेटली एक फैमिली की तरह है, साथ हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर कभी शाम को थोड़ा लगता है कि यार अभी थोड़ा आलस आ रहा है, वीडियो नहीं बनाऊं, या काम में बिजी हूं, यार वीडियो कैसे बनाऊंगा, यार थकान है, थोड़ा सा हेडेक है, आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन फिर जो आपके कमेंट्स की याद आती है, जो आपके वीडियो में आप देखते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, उसकी याद आती है, तो ताकत अपने आप मिलती है, सपोर्ट अपने आप से आता है कि हाँ जरूर वीडियो बनाई जाए। बात करते हैं अगले सवाल की, तो पूछा है यहाँ पे सोहम पंडित ने, ये बोलते हैं कि भैया आप मुंबई गए और निखिल भैया और रिक्शा वाले से मिले हो, अगर आपने निखिल भाई का गाना सुना है कैसा लगा। यार डेफिनेटली मैंने गाना सुना है निखिल मेरे भाई का, और गाना काफी अच्छा है, और ऐसे में मेरे अंदर भी थोड़ी सी ऐसी आग जल गई है कि हाँ चलो अभी मैं भी कुछ करता हूँ, तो क्या पता आपको फ्यूचर में कुछ और चीजें देखने को मिले मेरी तरफ से, लेकिन हाँ डेफिनेटली निखिल का गाना काफी अच्छा है, और आई एम श्योर हमको आगे भी शायद ऐसे ही और सरप्राइज देखने को मिलेंगे निखिल की तरफ से। जहां तक हम बात करते हैं मुंबई की, तो हाँ मैं कल मुंबई में ही था पूरा दिन, मैं इनफैक्ट
कल बहुत सुबह सुबह आ गया था, शायद कुछ 3-4 बजे के आसपास। तो मैं कल पूरा दिन और रात मुंबई में ही था, आज सुबह मुंबई से वापस दिल्ली आया हूँ और आज दिल्ली रहूंगा, कल मैं दिल्ली से कहीं और निकल जाऊंगा, फिर कहीं और, फिर कहीं और, बहुत ज्यादा सफर होने वाला है। मैं निखिल से नहीं मिल पाया इस बार, लेकिन निखिल से मैं कोशिश करूंगा कहीं और निखिल को पकड़ के मिलने की। लेकिन हाँ, मैं निशा से मिला और हमने कुछ वीडियोज शूट किए जिनको आप बहुत जल्दी देख पाएंगे। मजा आता है ना, ऐसे में आराम से जवाब दे रहा हूँ अगर मैं सवालों के, एक एक चीज को समझ के, सोच के, बिना किसी भगदड़ के। काफी मजा आ रहा है लाइव को, और ऐसे में यूट्यूब से लगता है कि दोस्ती वापस हो गई है मेरी, और लाइव में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और आगे कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको और बेहतर बनाएं। फिलहाल के लिए आप कमेंट मत करो, परेशान मत हो, आप सीधा जो है वो मेरी बातें सुनो, जब कमेंट का टाइम आएगा तब करना, अभी तो आराम से रिलैक्स करो यार। अगला सवाल है राजन गुप्ता का, ये बोलते हैं गुरु जी आज के टाइम पर अगर 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो तो क्या नेक्स्ट ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हैं या कुछ और रूल्स हैं, क्वेश्चन पिक जरूर कीजिएगा गुरु जी। राजन, आपको एक बात बताता हूँ बड़े ही आसान भाषा में, प्लीज मेरी बात को समझना। जो मेरा मैसेज है, जो मैं देना चाहता हूँ आप सभी तक, अगर आप एक यूट्यूब चैनल शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, हो सकता है आप यूट्यूब चैनल के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे हो लेकिन आप आगे सोचें, तो ये जो मेरा मैसेज है ये मैं चाहता हूँ कि आप सभी तक जाए। और ऐसे में थोड़ा सा लायक समझता हूं अपने आप को कि आज एटलीस्ट इतना सीखा है और समझा है इस चीज के बारे में कि आपसे बात शेयर कर पाऊं। मैंने बहुत बार देखा है, ये एकदम सच में आपको बात बताऊंगा, कि इंडिया में मैंने देखा है कि YouTube जो है थोड़ा सा मजाक सा बन के रह गया है। मजाक इन द सेंस कि सब लोगों को लगता है कि बस यहाँ पे हम आए तो किसके लिए आए, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए। अब इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, भूल जाइए कि आप YouTube पे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इस चीज को दिमाग से निकाल के खुले दिल से YouTube पे आते हैं, जहां पे आपका मन कहता है कि हाँ आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, फिर चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप किसी को खेती करना सिखा रहे हो, चाहे आपको नाचना आता हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आप में एक हुनर है, या हुनर छोड़िए आप में एटलीस्ट इच्छा है कि आप लोगों तक अपना कुछ मैसेज दे पाएं, और फिर अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाएंगे ना तो लोग वीडियोस देखेंगे भी, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, आपको वॉच टाइम भी मिलेगा, मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो जाएगा, मतलब वो सब चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। ऐसे में हम अगर उसी रेस में लगे रहेंगे कि कैसे बस हमारे पास मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल हो जाए, कैसे हम वीडियोस से एड पे पैसा कमा लें, तो यार ये कोई लाखों करोड़ों नहीं कमा लेंगे हम स्टार्टिंग में, बहुत छोटे से शुरुआत होती है। तो ऐसे में जो मेन फोकस है वो हमेशा रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए कि आपको जेन्युइनली मजा आए। मैं देखता हूं बहुत बार कि मतलब आज की डेट में ऐसा हो चुका है YouTube पे कि बस मतलब YouTube पे आए, वीडियोस बनाए, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे कुछ प्रॉफिट्स कमाए, तो वो हमारी अप्रोच नहीं होनी चाहिए यार। राजन, इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ YouTube पे आओ बड़े आराम से। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ ये चीज आपके लिए है, नहीं भी कहता है कोई बात नहीं, आओ ट्राई करो, ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है, और बाद में आगे देखो आपके साथ सब अच्छा होगा अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ में आते हो। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अजय साहू ने, ये बोलते हैं गुरु जी मेरा रोज आपसे बस ये सवाल है कि मई जून के मंथ में इंग्लैंड में वन डे वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, तो क्या आप वहां मैच देखने जाएंगे क्या? लव यू गुरु जी, जय हिंद, वंदे मातरम। अजय मेरे भाई, मेरी तरफ से भी आपको आई लव यू टू, और आप सभी जो वीडियोस देख रहे हैं फिलहाल ये जो लाइव चल रहा है, आप सभी को भैया मेरा भरपूर प्यार। डेफिनेटली अगर आप बात करें वर्ल्ड कप की तो यार ज़रूर काफ़ी इच्छा है और इच्छा थी भी, लेकिन मैंने शायद थोड़ा सा जो है वो डिले कर दिया। आई थिंक 1 महीने पहले की बात होगी शायद, या 15-20 दिन पहले की बात होगी। मैं देख रहा था कि वर्ल्ड कप इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो फॉर्मेट भी है वो थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप्स नहीं है जो कि नॉर्मल होते हैं वर्ल्ड कप में, कि 2 ग्रुप्स होंगे फिर वो 6-6 टीम बटेंगी फिर वो टॉप टॉप पे जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार जो है वो IPL स्टाइल में हो रहा है वर्ल्ड कप, जहाँ पे सभी टीमें जो है वो एक ही ग्रुप में, और सबके सबके साथ मैच होने वाले हैं, मतलब कुछ ऐसा अजीब सा इस बार शेड्यूल बनाया है। लेकिन खैर जो भी है, मैंने चेक किया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच कब है, लेकिन डेट्स वगैरह जब आई सामने और जब मैं जाके देख रहा था टिकट्स के लिए, तो टिकट्स सोल्ड आउट, टिकट्स थी ही नहीं। मतलब ऑप्शन उसमें क्या था कि या तो टिकट आप ले सकते हैं, या टिकट है लिमिटेड अवेलेबिलिटी कि भैया बस आपको जुगाड़ से मिलेगी, समझ लो अलग तरीके से अगर आप जाते हैं कुछ पैकेज वगैरह लेते हैं तो, और या फिर टिकट सोल्ड आउट। तो इंडिया पाकिस्तान मैच की टिकट तो मतलब सोल्ड आउट थी, और इंडिया के मतलब न सिर्फ पाकिस्तान, बाकी जितने मैचेस हैं इंडिया के, लेट्स से वेस्ट इंडीज के साथ में है, न्यूजीलैंड के साथ में है, सभी की जो टिकट्स हैं, बिकॉज इंडिया यार आप जानते हैं कि हम कितने सारे इंडियंस हैं और कितने सारे इंडियंस ऑलरेडी हैं यूके में, और कितने सारे मतलब बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, तो मतलब टिकट्स भैया अवेलेबल थी ही नहीं। ICC की वेबसाइट पे मैं गया जब, और वो शायद कोई वाया गोगो या देयर वाज मेथड एक्चुअली, तो मेरे को वहां पे टिकट्स नहीं मिली। मेरा प्लान था कि मैं जाऊं वर्ल्ड कप, और मैंने ऐसे में सेमीफाइनल्स का टिकट चेक कर लिया, फाइनल्स का टिकट चेक कर लिया,
नहीं मिला मुझे टिकट, लेकिन कोशिश पूरी है, प्लान पूरा है, अगर जुगाड़ लगता है, अगर कहीं से मेरे को टिकट मिल जाता है जाके देखने का मैच, तो जरूर कोशिश करूंगा जाके देखने की इस मैच को जो कि होगा इंडिया पाकिस्तान का, और उसके बाद में सेमीफाइनल फाइनल जो मेरे को मौका मिलता है, और अगर मैं गया तो जरूर आपके लिए व्लॉग भी आ जाएगा। और इस बार तो इंडिया के चांसेस वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बिकॉज जो हमने अभी किया है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, उसके बाद में लगता है कि हाँ यार अभी जो टीम है वो काफ़ी और ज़्यादा मजबूती से खड़ी है, और वर्ल्ड कप में ज़रूर मतलब जो है अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, और खैर बाकी कुछ हो जाए ना हो, पाकिस्तान को तो लगता है हरा ही देंगे बड़े आराम से। बात करते हैं अगले सवाल की, तो पूछा है यहाँ पे पिंटू ठाकुर ने, ये बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेजोन और दूसरी ऑनलाइन ऐप से क्या उनके ऊपर सही प्रोडक्ट और सही सामान होता है या फिर डुप्लीकेट होता है? डेल लैपटॉप मंगवाना है तो फ्लिपकार्ट बाय अमेजोन पे महंगा है या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे महंगा है? यार पिंटू आप ना देखो, जहाँ तक बात करते हैं असली और नकली की, तो हाँ कुछ फेक प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे अगर आप जल्दबाजी करेंगे, अगर आप ठीक से चेक नहीं करेंगे, तो आपको हो सकता है फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आ जाए। अक्सर पावर बैंक्स वगैरह में, हेडफोन्स वगैरह में ये काम हो जाता है, लेकिन अगेन अगर आप सोच समझ के सही सेलर को चेक करते हैं, उसको थोड़ा सा रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, तो आपके साथ में धोखा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ गलत होता भी है, तो आप डेफिनेटली कस्टमर केयर से बात करके इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी सेफ है। जहाँ तक बात है कीमत की, तो एक बार आप अपने लोकल मार्केट में जाके भी चेक कर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोकल मार्केट का जो प्राइस होता है वो आपको और कम मिल जाता है। जैसे मैं आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह आप नेगोशिएट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह में अमेज़न पे जो प्राइस लिखी है आपको उतनी ही चुकानी पड़ेगी। तो आप एक बार थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, चैट पे सस्ता है, अमेजोन पे सस्ता है, कोई सेल आ रही है क्या, या फिर होली का भी मौसम आने वाला है, या अगर आपको कोई ऑफर मिलता है क्या, या फिर ऑनलाइन सस्ता है, कहां सस्ता है, थोड़ा एक बार रिसर्च कर लो, उसके बाद में आराम से देख के कि सेलर कौन है, क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, आप अपना फैसला बना सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है यहाँ पे सितांशु खन्ना ने, ये बोलते हैं कि हाउ आर यू एंड व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड डू अ सर्जिकल स्ट्राइक टू टेक रिवेंज फ्रॉम दोज कावर्ड्स हु हैज डन दिस हीनियस क्राइम? तंशु मैं एकदम अच्छा हूं और मेरे ख्याल से आप सभी भी काफ़ी अच्छे होंगे। जहां तक हम बात करते हैं कि अभी सरकार को क्या सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, तो यार ये कोई मजाक नहीं है। डेफिनेटली जो हुआ वो बहुत घटिया काम था, बहुत कायरता से मतलब भरा हुआ ये स्टेप था आतंकवादियों की तरफ से, जो कि हर बार का है उनका कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ही पीछे से ही वार करते हैं, क्योंकि सामने उनके खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की या किसी और तरह से एक्शन लेने की, तो यार यहाँ पे ना मतलब ये चीज़ कई बार कहने में आसान लगती है, इसको अगर आप बात करें प्रैक्टिकली करने की, तो जो फिल्म में हम देखते हैं वो नहीं है ना कि मेकअप से चली गोली और बस खून निकल गया और हम देख लिया और इंडिया जीत गया और मतलब हमने काम कर दिया। अगर आप बात करें असल लड़ाई की या किसी ऐसे असल मिशन की, तो यार उसमें असली खून होता है, असली जाने जाती हैं, असली नुकसान है, असली रिस्क है, और ऐसे में ज़रूर जो अपनी इंडियन आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत केपेबल है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम उठाएं या थोड़ा सब्र करके सोच समझ के एक और एक्शन लिया जाए, तो मतलब ये यार जो सरकार है, जो लोग इस जगह पे लायक हैं, मैं यार बिल्कुल भी इसके बारे में मतलब नॉलेज ही नहीं है ना, हम आम आदमी को क्या नॉलेज है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या करना चाहिए या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी करना चाहिए हो या फिर जो लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्लाई होगा, हमें पूरा भरोसा होना चाहिए, और हमें भरोसा है भी हमारी इंडियन आर्मी पे कि जरूर जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे या फिर जो भी ऐसे लोग काम करते हैं उनके अगेंस्ट जरूर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, और जब वो होगा तो हम सभी को तो खैर मालूम चल ही जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की, तो सवाल पूछा है यहाँ पे आदित्य मोहन ने, ये बोलते हैं क्या हम अपने मोबाइल में बिना किसी इंटरनेट के लाइव टीवी देख सकते हैं, और हाँ तो कैसे? प्यार यू भाई, लव यू की जगह प्यार यू लिखा है। यार मोबाइल में बिना इंटरनेट कि लाइव टीवी डेफिनेटली आप देख सकते थे, और अभी भी कुछ फोन्स आते हैं कोरियन मार्केट में, अगर आपको बताता हूं तो कुछ कुछ फोन्स आते हैं यहां पे एलजी के और सैमसंग के भी आते थे पहले कुछ, जिसमें एंटीना हुआ करता था और मतलब वो लोकल टीवी जो है जो फ्री टू एयर चैनल्स हैं वो कैच करता था। और पहले टाइम पे तो चाइनीज मोबाइल्स कुछ कुछ आते थे जिसमें डेफिनेटली आपको ऑप्शन मिलता ही था, तो मतलब हाँ ऑप्शन है, लेकिन आज के डेट में स्मार्टफोन्स में नहीं, बिना इंटरनेट के कैसे आप दिखेंगे यार, इंटरनेट तो चाहिए या फिर चाहिए कोई एंटीना, और उसके बाद भी आप कुछ दो चार पांच जो फ्री चैनल्स हैं शायद बस वही देख पाएंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अमित भाई ने कुछ एक सुपर चैट किया है 400 रुपए का, लेकिन आपका मैसेज गया भाई, मैं देख नहीं पा रहा बिकॉज वो कहीं ऊपर निकल गया, लेकिन ऊपर मेरे को पॉपअप दिख रहा है कि आपने सुपर चैट किया है। लेकिन हाँ अमित भाई, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा फोन पे, लेकिन जो आप बाकी देख रहे हैं इस वीडियो को, सुपर चैट भी बिल्कुल ही मत करना, कुछ मत करना। हम
अलग से मेरी प्लानिंग है, बहुत ही स्ट्रांग प्लानिंग है, हम कुछ अच्छा काम करेंगे। और मेरे को उसके लिए विंडोज लैपटॉप चाहिए थे इसलिए वो काम हो नहीं पाया, लेकिन हाँ जरूर करेंगे। खुशी इस बात को देख के आज कि लाइव जो है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से काम कर रहा है, मतलब यूट्यूब जो है वो ऐसे में साथ निभा रहा है और बाकी जो है वो आपसे बात करने में मजा आ रहा है। मैं एकदम आराम से धीरे धीरे बिना किसी स्पीड के जो है वो आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगला सवाल है यहाँ पे दीपक जैन का, ये बोलते हैं कैसे हैं गुरु जी, आप इतनी बार दिल्ली आते हैं, कभी मिल भी लिया करो, दिल्ली मीटअप ही कर लीजिए टीजी भाई। दीपक मैं ज़रूर आपकी बात समझता हूँ और बिल्कुल मैं दिल्ली आता ही रहता हूँ यार, ऑलमोस्ट हर 10 दिन 12 दिन में मैं कहीं ना कहीं दिल्ली में ही होता हूँ, फिलहाल मैं अभी भी दिल्ली में ही हूँ। जहाँ तक बात है यार मीटअप की ना, तो मीटअप को लेके देखो कुछ बातें ऐसी हैं कि मैंने अप्रैल 2017 की ये बात है, मैंने किए थे 7 शहरों में मीटअप्स, हर दिन एक नया शहर था लिस्ट में। जो मेरा आइडिया था वो था 7 days 7 cities का मीटअप टूर, जहाँ पे हमने शुरुआत की थी मुंबई से, उसके बाद में मैं हैदराबाद गया, मैं कोलकाता गया, मैं गुवाहाटी में था, मैं भुवनेश्वर में था, मैं बेंगलोर में था, मैं इंदौर में था। काफ़ी मज़ा आया, और मतलब काफ़ी का मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद में फिर उसी साल एक और मीटअप हमने किया जहाँ पे मैं अहमदाबाद आया था, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप टाइम देखते हैं तो इन बातों को ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। तो यार यहाँ पे ना मेरे अंदर एक थोड़ी सी घबराहट है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उस टाइम पे सब्सक्राइबर्स कितने थे, हम कुछ 2-3 मिलियन का हमारा चैनल था। लेकिन अगर आपसे बात करता हूँ मीटअप्स की, तो 2,000 3,000 2,500 1,000, मतलब बहुत सारी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए थे मिलने के लिए। तो मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन साथ साथ डर इस बात का कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं किसी को चोट ना लग जाए, कहीं किसी का कुछ नुकसान ना हो जाए, या कहीं वहाँ पे कुछ और जो है वो हादसा ना हो जाए। तो इसी डर की वजह से मैंने उस टाइम पर तो खैर कर लिया, लेकिन आज की डेट में अगर सोचता हूँ पीछे मुड़ के, तो लगता है कि यार नहीं, वो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, या अगर करता तो पूरी प्लानिंग से करता। इसलिए चलिए वो तो खैर हम मिल लिए, अभी के लिए मेरी प्लानिंग यही है कि जितना जल्दी हो सके मैं प्रॉपर कुछ जो है प्लान्स लेके आया हूं, जहां पे 5 शहर 7 शहर, या फिर एक आइडिया आया था 2-3 हफ्ते पहले एक सनेटिक मसाला में, कि अगर मैं इंडिया के हर एक स्टेट का एक सिटी चूज करूं, फॉर एग्जांपल कैपिटल सिटी या फिर जो भी सिटी पॉपुलर है, और वहां पे अगर मीटअप करूं, तो जरूर यार मेरी तरफ से बहुत सारे प्लान्स हैं। मुझे बस दुबई से थोड़ा सा लंबा ब्रेक लेके आना पड़ेगा, और उसके बाद में जरूर हम मिलेंगे। दिल्ली का भी मीटअप मेरे को मालूम है, दिल्ली की तो यार कितनी डिमांड है, और ऐसे में दिल्ली में अगर मैं मीटअप करता हूं और आप मान लीजिए 2,000-5,000 लोग अगर आ जाते हैं, तो वो मैनेज करने के लिए क्या और कैसे क्या इंतजाम किए जाए, वो सब प्लानिंग के साथ में जरूर हम मीटअप करेंगे। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है यार आपसे बात करके, मतलब ऐसे लाइव बात करने का मौका मुझे पता नहीं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद शायद मिला है। मैंने लाइव जो है वो मतलब पता नहीं लास्ट टाइम कब किया, तो उसका तो यार यूट्यूब में लाइव चलना बंद ही हो गया था मेरा। लेकिन आज जैसे मैं सुबह आ रहा था मुंबई से दिल्ली, मेरी फ्लाइट थी और फ्लाइट डिलेड थी कुछ, तो मैं बोर्डिंग गेट पर खड़ा हुआ था, वहाँ पर वेट कर रहा था, तो आप में से मैं काफ़ी लोगों से मिला। मैं फ्लाइट में मिलता रहता हूँ, मैं एयरपोर्ट से मिलता रहता हूँ, होटल में मैं कहीं जाता हूँ तो मिलता रहता हूँ, कहीं मूवी देखने गया तो मिल गया, कहीं रस्ते में कुछ था तो मिल गया। तो मतलब मिल के बात करके बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे में मैं हमेशा और चाहूंगा कि आपसे जितना पॉसिबल उतना बात कर पाए। अभी मतलब मेरा अगर बस चले तो मैं बैठे बैठे बस लगातार आपसे बात करता रहूं और करता रहूं। इनफैक्ट अभी भी ऑलमोस्ट आधा घंटा होने ही वाला है, तो मैं चाहता हूं मिलना, जरूर मिलेंगे भी, बस थोड़ा प्लानिंग के साथ में। अगला सवाल पूछा है यहां पे नमन तनेजा ने, और ये बोलते हैं कि माय क्वेश्चन इज दैट, क्या स्क्रीन के ऊपर की तरफ जो दो सेंसर अदर देन कैमरा एंड ईयरपीस होते हैं, वो कौन से होते हैं और क्या काम करते हैं? नमन, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, कैमरा हो गया, एयरपीस हो गया, LED नोटिफिकेशन लाइट अगर होनी है तो वो होगी। लेकिन उसके अलावा आपको मिलते हैं दो सेंसर्स, जहाँ पे एक तो होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी का मतलब नज़दीकता, और दूसरा होता है आपका ऑटो ब्राइटनेस के लिए एम्बियंट लाइट सेंसर, यानी कि आपके आसपास के जो वातावरण की लाइट है उसका क्या वहाँ पे कितनी ब्राइटनेस है, क्या वो आपको ल्यूमेंस वहाँ पे दे रहा है जो भी लाइट सोर्स है। कहने का मतलब ये, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, जब भी आप फोन अपने कान के पास लगाते हैं किसी कॉल के दौरान, तो आपका स्क्रीन बंद हो जाता है, क्योंकि वो ये देखता है कि हाँ आपका जो फोन है वो किसी चीज़ के नज़दीक है। ऐसे में आपका गाल वो होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप किसी कॉल पे हैं तो आपका फोन का स्क्रीन बंद हो जाता है, जिससे एक तो अनवांटेड टचेस ना हो, दूसरा आपकी बैटरी लाइफ भी बचे। तो एक तो होता है सेंसर, वो बेसिकली काम कैसे करता है वो मैंने बताया एक और वीडियो में, आप जाके चेक कर लो। जो दूसरा सेंसर है वो होता है ऑटो ब्राइटनेस के लिए, कि आपके आसपास आपकी रूम की लाइट, आपके बाहर खुले में है तो वहां की रोशनी कितना, आपके आसपास प्रकाश है जिसके चलते स्क्रीन की ब्राइटनेस का लेवल क्या रखा जाए, वो सेंसर होता है उस चीज के लिए। बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की, पूछा है यहाँ पे गौतम राज ने, ये बोलते हैं कि बोलो गुरुजी कैसे हैं, गुरुजी आप बिहार कब आ रहे हो? मेरा सवाल है, अच्छा वाला DSLR बताओ जो अच्छी पिक और वीडियो बना सके, चिप एंड बेस्ट में, अच्छा चीप, सॉरी। तो यार अच्छा, बाय द वे मेरे को अभी अभी ना अपना स्क्रीन देखते ही एक बात याद आई कि जो काम हम कल करने वाले हैं वो क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब हम कर सकते हैं,
मेरे को सामने स्क्रीन पे एक चीज दिख गई है जिसको देख के मेरे को लगता है कि हाँ जो काम हम कल करने वाले हैं वो हम जरूर जरूर कर सकते हैं और बिना विंडोज लैपटॉप के भी कर सकते हैं। तो मतलब चलो दिमाग में एक सुकून तो है कि हाँ कल हम कुछ कर पाएंगे। जहाँ तक बात है आपके लिए सस्ते और अच्छे कैमरा की, जहाँ पे आप फोटो और वीडियोज दोनों ही रिकॉर्ड कर पाए, तो यार देखो फोटोज़ के लिए तो मैं इतना स्ट्रॉन्गली खैर रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरे को मालूम नहीं है प्रैक्टिकली की जो है परफॉर्मेंस वो कैसी है। लेकिन हाँ अगर आप बात करें कैनन 200D की, तो काफ़ी एक अच्छा वर्सटाइल कैमरा है, फ्लिप स्क्रीन भी है, माइक भी लगा सकते हैं और ऑटो फोकस भी है उसमें काफ़ी अच्छा। तो मतलब जो कैनन का 200D है वो अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ऑल्दो DSLRs खैर महंगे ही होते हैं, लेकिन वो अपनी जिस प्राइस रेंज में आता है काफ़ी सस्ता है DSLRs की प्राइस के हिसाब से, और वहाँ पर आप फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों ही काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बात करते हैं अगले सवाल की। पूछा है यहाँ पे राजीव धीर ने, ये बोलते हैं कि भैया क्या आपके पास में क्रिप्टो फोन है एंड क्या आपने कभी क्रिप्टो फोन यूज किया है? आई लव यू ब्रो। नहीं यार मेरे पास में क्रिप्टो फोन नहीं है, मेरे पास में स्टैंडर्ड्स है, मेरा गूगल का पिक्सल फोन है, ये मैं यूज करता हूँ फिलहाल एंड्रॉइड फोन की तरह, ये तो खैर बदलता रहता हूँ, और ऐसे में दूसरा फोन है मेरे पास में अपना स्टैंडर्ड iPhone XS Max। लेकिन हाँ मैंने क्रिप्टो फोन देखा है, वो एक अलग बात है, मैंने कभी यूज नहीं किया है, मैंने फिजिकली देखा है और वो किसी स्मार्टफोन की तरह लगता है दिखने में, ऐसा कुछ खास नहीं होता है, लेकिन जो सारा गेम है वो होता है कि उसके अंदर क्या है और कैसे वो काम करता है। देखा जरूर है, कभी यूज नहीं किया है और फिलहाल क्रिप्टोफोन है भी नहीं, ऑल्दो सैटेलाइट फोन मेरे पास में है भी और मैंने यूज भी किया है, अलग पर्पस के लिए उसका यूज है, कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। बात करते हैं अगले सवाल की। तो पूछा है यहाँ पे MKB सेज ने, ये बोलते हैं कि भाई डायमंड प्ले बटन नहीं आया ? यार डायमंड प्ले बटन आया भी और नहीं भी आया, मतलब आ तो गया लेकिन कुछ और भी आना है, मतलब थोड़ा सा अभी राइट लेफ्ट चल रही है चीज़ें। कोशिश करूंगा जल्दी ही आपके लिए उसकी वीडियो लेके आ पाऊँ, लेकिन हाँ देखते हैं, थोड़ा सा शायद मुझे इसको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा शायद आपको भी वेट करना पड़ेगा मेरी तरफ से, सॉरी। आई नो कि ये बहुत एक्साइटमेंट की बात है यार कि हमने 10 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, और ऐसे में अभी तो फिलहाल खैर 11 मिलियन से भी ऊपर हो गए, इनफैक्ट 11.5 मिलियन से भी ऊपर हो गए, तो ऐसे में यार सारा आप ही का प्यार और सपोर्ट है, और जितना वो डायमंड प्ले बटन मेरा है उतना ही आपका है, उतना ही हम सबका है। तो वीडियो तो खैर आएगी लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप देख पाएंगे उस वीडियो को। बात करते हैं अगले सवाल की। पूछा है यहाँ पे वंदन प्रजापति ने, ये लेके आए हैं रैपिड फायर राउंड, और यहां पे पूछते हैं गैलेक्सी वॉच वर्सेस एप्पल वॉच। दिखने में गैलेक्सी वॉच सीमलेस कनेक्शन और कनेक्टिविटी में एप्पल वॉच। गैलेक्सी S10 प्लस वर्सेज iPhone XS Max, यार मैं दोनों ही यूज़ करने वाला हूँ, मैं XS Max तो खैर यूज़ करता ही हूँ और जो 10 प्लस है वो भी मैं यूज़ करने ही वाला हूँ फिलहाल, आपको खैर अभी वीडियो में तो लाइव में अलग बात है ना, लेकिन हाँ दोनों ही फोन्स काफ़ी अच्छे हैं, XS Max अपनी जगह पर काफ़ी अच्छा है और जो सैमसंग का गैलेक्सी S10 प्लस होगा वो भी खैर काफ़ी अच्छा होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। मोदी वर्सेज राहुल, डेफिनेटली यार इसमें कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, जितना मैं समझता हूँ चीज़ों को, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी पसंद है, उसके हिसाब से ज़रूर और ज़रूर मिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं तो मेरी नज़र में कोई दूर दूर तक का कंपैरिजन है ही नहीं, डेफिनेटली मैं प्रेफर करूँगा मिस्टर नरेंद्र मोदी को। अगला सवाल है यहाँ पे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक। इंस्टाग्राम। नेटफ्लिक्स वर्सेज अमेजॉन प्राइम वीडियो, यार दोनों ही यूज़ करता हूँ और इसमें से कोई एक चूज़ नहीं कर सकता। हाँ नेटफ्लिक्स को थोड़ा सा बेहतर मानूंगा, लेकिन कुछ मूवीज़ अमेजॉन पे होती हैं, कुछ मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे होती हैं, अमेजॉन का भी इनफैक्ट जैसे मिर्ज़ापुर था तो काफ़ी अच्छा था, नेटफ्लिक्स पे सेक्रेट गेम्स काफ़ी अच्छा था, तो मतलब दोनों ही अच्छे हैं यार, दोनों ही यूज़ करता हूँ, इसमें खैर क्या चूज़ करूँ। अगला सवाल है सैमसंग वर्सेज एप्पल। अगेन सैमसंग भी यूज़ करता हूँ, एप्पल भी यूज़ करता हूँ, लेकिन हाँ अगर मुझे सिर्फ आप एक ही ब्रांड बोलो कि सिर्फ एक ही यूज़ करना है, दूसरे का प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करना, तो मैं एप्पल चूज़ करूँगा, बिकॉज मेरे पास में आईपैड भी है, मैकबुक भी है, आईफोन भी है, एप्पल वॉच भी है, तो सिस्टम जो है वो ज़्यादा कंप्लीट बनेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। तो अब की बार किसकी सरकार? मेरे को लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑल्दो मेरे में नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर जरा सा भी, और इतनी समझ भी नहीं है कि क्या और कैसे होने वाला है, लेकिन हाँ जितना दिमाग कहता है, जितना जो है वो लगता है ऐसा कि शायद इस बार वापस से हम देखेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की पोजिशन पर, और मैं चाहता भी हूँ कि ऐसा हो। अब ऐसे में आपका ओपिनियन दूसरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान जो है वो अपनी खुली सोच रखने की आज़ादी रखता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ और मुझे ऐसा लगता है और मैं चाहता भी हूँ कि एक बार वापस से हम देखें मिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में। बाकी देखते हैं जो रिजल्ट्स आते हैं तब क्या होता है। और आई लव यू भाई, प्लीज़ इस बार सवाल पिक करना तो ज़रूर। वंदन मेरे भाई, देखो आपको मैंने सवाल स्क्रीन पे भी दिखा दिया और आपका सवाल मैंने यहाँ पे पिक भी कर लिया। अगला सवाल है यहाँ पे साजिद खान का, ये बोलते हैं कि हेलो गौरव भैया कैसे हो, एंड मेरा आपसे सवाल
सवाल है कि आईफोन 10X के गिव अवे का क्या हुआ एंड मुझे आपसे मिलना है, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। यार आईफोन 10X की अगर आप बात करते हो तो 10XS बेसिकली 10S ना, तो 10S जो है उसका गिव अवे तो हो चुका है मेरे भाई, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले 12 दिन 10 दिन पहले रिजल्ट्स निकाल दिए थे। मेरी विनर से बात भी हो गई है, जो असली विवेक हैं उनसे मेरी बात हो चुकी है, उनका एड्रेस मेरे पास में आ चुका है, वो बेंगलोर के आसपास कहीं रहते हैं, मैं जाके उनसे ज़रूर मिलूंगा। और जहाँ तक आप दिल्ली में हैं तो ज़रूर मैं कभी दिल्ली भी आऊँगा और आपसे भी ज़रूर मिलूंगा। बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है शुभांशु ने, ये बोलते हैं हेलो गौरव भाई, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन बेस्ट गैजेट्स एंड गियर फॉर स्टूडेंट्स, बाय द वे विच इज द बेस्ट फोन फॉर स्टूडेंट्स एंड विच लैपटॉप, जल्दी और डिटेल में। यार जरूर मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बनाऊं जहां पे मैं बात करूं कि कौन से गैजेट्स या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। फिर चाहे बात करते हैं स्कूल स्टूडेंट की या कॉलेज स्टूडेंट की, जहां पर कई बार बजट लिमिटेशन होता है और एक महंगा प्रोडक्ट लेना कई बार समझदारी वाला फैसला नहीं भी होता है, बिकॉज आपको यूज करना होता है काफी रफ एंड टफ तरीके से, काफी मतलब लंबे समय तक के लिए। तो कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, ऑल्दो क्या पता उसमें कुछ महंगे आइटम भी हो, लेकिन जरूर मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आएगा। लेकिन जल्दी ही आपको उसका कुछ जवाब मैं दे पाऊंगा, लैपटॉप और बेस्ट गियर्स और बेस्ट गैजेट्स की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अहीर हेत ने, ये बोलते हैं कि भाई एक बात बताओ, अगर आप इस देश के कोई ऊंचे ओहदे उच्च ओहदे पे होते और आपको पूछा जाता कि पुलवामा आतंकी हमला के ऊपर एक्शन लीजिए, तो आपका उत्तर और एक्शन क्या होता, जरूर से जवाब देना और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अहीर ये सारी बातें जो है ना ये इमेजिनरी ही होंगी, हम सभी के मन में गुस्सा है यार, मुझे वैसा ही लग रहा है जैसा आपको लग रहा है इस टाइम पे, मेरे मन में भी उतना ही दुख है, मेरे मन में भी उतना ही आक्रोश है, उतना ही दुख है, उतना ही गुस्सा है, सब कुछ बिल्कुल सेम है हमारे लिए। और हम ऐसे में बहुत बार सोचते हैं कि ऐसा कर देना चाहिए या वैसा कर देना चाहिए या फिर ये एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक या लड़ाई या और बहुत सारे ऑप्शंस दिमाग में आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अभी अगर अपने आप को इमेजिन भी कर लूं कि हाँ अगर मैं किसी ऊंचे ओहदे पे हूँ जहाँ पे मेरे बस में चीज़ें हैं, जहाँ पे चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, तो भी यार दिमाग तो उस लेवल का नहीं है ना, हम सभी का दिमाग तो नॉर्मल एक आम आदमी की तरह सोचता है। तो मेरे दिमाग में तो ऑप्शंस वही आएंगे जो आपके दिमाग में आ रहे हैं कि ऐसा कर देना चाहिए या फिर कुछ और ऐसा एक्शन लिया जाए या अभी का अभी जो है वो अटैक कर दें या लड़ाई कर दें। लेकिन अगर आप सोचें चीज़ों को, अगर आप एनालाइज करें, तो समझदारी इसी में है कि सोच समझ के एक ठोस कदम उठाया जाए, फिर चाहे वो लड़ाई हो, फिर चाहे वो एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो, फिर चाहे वो किसी और तरीके से पाकिस्तान को बॉयकॉट करना हो, फिर चाहे वो किसी और तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ कदम उठाने हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सोच समझ की बात है यार। ऐसे में आप और हम मिलकर सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम मदद कर सकते हैं, और मदद करने में मैं कभी पीछे रहा नहीं हूं। आपसे भी यही अपील करता हूं कि जितना आपसे बन पड़ता है बस मदद कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, सबसे आसान तरीका यह है कि अपना काम ईमानदारी से कीजिए, फिर चाहे आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप उतना भी करते हैं तो भी आप देश के लिए कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं पैसे की मदद या किसी और चीज़ से मदद, तो वो भी ज़रूर एक बहुत अच्छा फैसला है आपका, अगर आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। मैं क्या बोलूं यार, मतलब मन में गुस्सा भी है, बुरा भी लगता है। मेरे लिए बड़ा आसान होता कि मैं एक वीडियो इस बारे में बना देता और ऐसे में जो है वो आपसे अपनी मन की बात शेयर करता, लेकिन उससे क्या होता, पहली बात, क्या सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, क्या सिर्फ कुछ एक बस मतलब बताने के लिए मैं वीडियो बना लूँ, क्या हम इस चीज़ के बारे में मतलब इतना हमें शर्म नहीं कि मतलब जो बुरा हुआ ऐसा शर्मनाक हादसा मतलब जो हुआ, जो उन्होंने काम किया इतना और इतना दर्दनाक हमारे लिए वो चीज़ सब कुछ, उसको क्या हम एक वीडियो के ज़रिए कन्वे कर सकते हैं, क्या हम शब्दों के ज़रिए उसको कन्वे कर सकते हैं। मैं जब रात को अपना एक ट्वीट लिख रहा था, जो मेरे मन में कुछ एक था मैसेज जो मैं मतलब अपनी एटलीस्ट एक आवाज़ छोड़ पाऊँ, तो वो लिखते हुए भी कई बार ना हाथ लगता है कि यार कैसे मैं लिखूं, क्योंकि जो अंदर गुस्सा भी है उस टाइम पे दुख भी है, उस टाइम पे लगता है कि बस अभी का अभी कुछ कर लें, उस टाइम पे लगता है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसा, जो हमारे 44 जवान शहीद हुए, तो मतलब बहुत सारी बातें होती हैं यार एक साथ। और मैं क्या बोलूँ ऐसे में, अभी आज के लिए मैंने ऑल्दो कुछ सोचा था, वो ज़रूर होगा, वो कल होगा। और अपील आपसे सिर्फ इतनी है यार कि आप जो है वो अपना काम ईमानदारी से कीजिए, मदद कीजिए। मैं मदद करता हूँ, हर बार करता हूँ, और हर बार बहुत सुकून मिलता है, वो सुकून आपको मिलेगा अगर आप मदद करेंगे। और जहाँ तक बात है कुछ एक्शन की, तो करारा जवाब मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा, और जैसे ही मिलेगा डेफिनेटली बहुत अच्छा ही मिलेगा, बिकॉज हमारी जो भी लीडरशिप है, फिर चाहे हम बात करें हमारी सरकार की, चाहे हम बात करें हमारी आर्मी की, चाहे हम बात करें
किसी और तरीके से भारत पूरी तरीके से सक्षम है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा जो देश है वो ज़रूर इसका बदला लेगा, आज नहीं तो कल लेगा, लेकिन ज़रूर लेगा और पूरे ठोस तरीके से लेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। तो पूछा है यहाँ पे टेकी अर्नब ने, ये बोलते हैं कि सर जी रियलमी का 48 मेगापिक्सल का कैमरे के बारे में कुछ पता है एंड रियलमी कब अपना टाइम आएगा करेगा? वैसे रियलमी का कोई नया डिवाइस लॉन्च करने वाला है फरवरी में, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। अर्नब, मैं आपके सभी सवालों के जवाब तो जानता हूँ लेकिन दे नहीं सकता हूँ यार, ये एक थोड़ा सा अभी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास में पीछे उधर भी कुछ बॉक्सेस हैं, मेरे पास में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में। ऑलमोस्ट सभी सवालों के जवाब मैं दे सकता हूँ हाँ या ना या कब या कैसे, लेकिन दे नहीं सकता हूँ यार, क्योंकि क्या करूँ, बहुत जो है वो काबू करना पड़ता है अपने आप को कि यार मतलब चीज़ें बहुत सारी मालूम होती हैं लेकिन क्या करूँ, सारी बातें नहीं शेयर कर सकता हूँ। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा रियलमी की तरफ से, थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ आपको बहुत जल्दी जल्दी मालूम चल जाएगा, सबसे पहले इधर ही मालूम चलेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। पूछा है यहाँ पे बाबूलाल यादव ने, ये बोलते हैं कि गुरुजी स्मार्टफोन में से कैमरा को निकाल कर एक अटैचेबल डिवाइस हेडफोन जैक से नहीं लगा सकते क्या, जिससे आगे पीछे दोनों कैमरा काम किया जा सके और काम नहीं आने में पॉकेट में रख लिया जाए, और कृपया जयपुर, अच्छा कृपया नहीं है वो, और जयपुर कदे आ रहा छो बता जो जरूर। भाई जयपुर तो मैं जब भी आऊँगा आपको ज़रूर बताऊँगा, मेरे को ऑल दो राजस्थानी समझ में आती है लेकिन मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ। जहाँ तक हम बात करते हैं कैमरा की, तो ये डिटैचेबल कैमरा हो सकता है लेकिन काफ़ी हेडेक है, कहीं निकालोगे कहीं खो जाएगा, कहीं गिर जाएगा, फिर बार बार आपको एक और कनेक्शन चाहिए उसके अंदर लगाने के लिए। हेडफोन जैक में ऑल दो पॉसिबल नहीं है कंसिडरिंग, क्योंकि हेडफोन जैक में जो डेटा ट्रांसफ़र है वो आप इतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं रियल टाइम की, भैया आप जो है वो चीज़ देख पाए। हाँ माइक्रो यूएसबी पोर्ट, यूएसबी सी पोर्ट उसमें लगाया जा सकता है, मैग्नेटिक कनेक्टर्स के थ्रू लगाया जा सकता है, लेकिन अगेन वो एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी तो ऐसा क्यों करना। पॉपअप कैमरा है, इन डिस्प्ले है या फिर कटआउट है, नॉच है, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है बजाय के एक डिटैचेबल कैमरा के, ऐसा मेरे को लगता है और शायद सही भी यही है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे राजा ने, ये बोलते हैं कि द फोन यू गिव इज गारंटीड, द फोन दैट वी हैव वॉन इन द फोन बॉक्स इज वारंटी ऑफ यू। शायद राजा अभी पूछना चाह रहे हैं कि जो गिव अवे में आपको प्राइज मिलता है क्या उसके गारंटी साथ में होती है कि नहीं। तो दो चीज़ें हैं, अगर फ़ोन आपको डायरेक्टली मिलता है कंपनी या मेरी तरफ से तो शायद गारंटी ना हो, क्योंकि आपको कोई इनवॉइस कोई बिल नहीं मिलेगा, और ऐसे में क्योंकि अगर आप जाते हैं कभी सर्विस सेंटर तो आपसे बिल पूछा जाता है, तो शायद वो आपको वारंटी ऑनर ना करें। वैसे तो करना चाहिए बिकॉज सीरियल नंबर के साथ में इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है कि हाँ फ़ोन इंडिया के लिए बना है, इंडिया से परचेज किया गया है, लेकिन शायद क्योंकि बिल की कमी होती है इसलिए आपको वारंटी ना मिले। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं विनर्स को डायरेक्टली फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जो है वो ऑर्डर करके अगर जो प्रोडक्ट भिजवाता हूँ, जैसे कि मैंने भी किया रिसेंटली आईफोन 10R गिव अवे के साथ में, तो उसमें तो उनको वारंटी मिलेगी बिकॉज ऑल्दो मैंने उनको बिल दिया नहीं है, लेकिन अगर कुछ वैसे बिल तो मिलेगा ना उनको, मैं दूँ चाहे ना दूँ, वो तो डब्बे के साथ में आता है शायद बिल, और अगर डब्बे के साथ में बिल ना भी आए तो भी अगर कुछ होता है तो अगर वो मेरे को ईमेल वगैरह करेंगे तो मैं उनको बिल भेज सकता हूं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपको फोन्स मिलते हैं ब्रांड्स की तरफ से वो कई बार शायद ओपन बॉक्स भी हो सकते हैं, सिर्फ जो डब्बा एक बार खोल के बंद किया गया हो, या फिर वो कई बार डेमो यूनिट्स भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे में वारंटी मेरे ख्याल से तो इंडिया में बिल मांगते हैं, तो शायद जो है वो आप एंजॉय ना कर पाएं। अगला सवाल है यहां पे मोनू कुमार का, जो बोलते हैं कि व्हेन विल यू क्लीन योर बियर्ड। मोनू भाई करने का प्लान तो पहले दिसंबर में था, फिर वो मूव हुआ जनवरी में, फिर अभी फरवरी भी निकल गई और अभी भी दाढ़ी जो है वो काफ़ी बरकरार है, तो शायद आप ये चीज़ मार्च में देख पाएँ, लेकिन मार्च में कुछ और भी होने वाला है, मैं आपके सामने कहीं ना कहीं आने भी वाला हूँ तो सोचना पड़ेगा, शायद आप मार्च के पहले हाफ में देख पाएंगे शेव। लेकिन इस बार तो नॉर्मल है बिकॉज लास्ट टाइम थी मेन हाइप कि हाँ भैया 16 महीने के बाद शेव कर रहा हूँ, इस बार तो आपने देख लिया पिछली बार, तो अब तो एक ही बात है, जैसा भी होगा आप देख लेंगे किसी ना किसी व्लॉग में। अगला सवाल है यहाँ पे आयुष नेगी का, ये बोलते हैं कि गुरुजी क्या Xiaomi Play इंडिया में आएगा और Realme A1 कब आ रहा है और कितने तक के बजट में आएगा, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, लव फ्रॉम देहरादून, कभी आ जाओ मसूरी में, जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय। ज़रूर आयुष, जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय। जहां तक हम बात करते हैं Realme A1 और Xiaomi Play की, Xiaomi Play का तो हमको आइडिया नहीं है,
रियलमी A1 भी बोलूँ तो नहीं आ रहा है, रियलमी A1 जो है वो नहीं आ रहा है, और बस नहीं ही आ रहा है, ये ऐसा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं एटलीस्ट आप तक कन्वे कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, इसके अलावा रियलमी ज़रूर अभी जो है वो काफ़ी सारे कमाल करने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो उसका सब्र कीजिएगा। और जहाँ तक बात है मसूरी आने की, तो मसूरी भी आता हूँ और देहरादून भी आता हूँ, और उसके बाद में हम ज़रूर मिलते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं, मीटअप तो खैर हो ही जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे दीपेश सोनी का, जो बोलते हैं कि नमस्ते गुरु जी, मुझे आपसे बस ये पूछना है कि Redmi Note 7 हमें लेना चाहिए क्या, क्योंकि उसके जैसी बिल्ड क्वालिटी है Xiaomi वाले क्लेम कर रहे हैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप रेकमेंड कर दीजिए। दीपेश, जब फोन लॉन्च होता है तो पहले तो वेट कीजिए कि फोन जो है वो एग्जैक्टली किस प्राइस पे आता है। हालांकि जितना भरोसा है Xiaomi का जो है वो पास्ट देखते हुए, फोन की कीमत जरूर काफी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो डेफिनेटली जो Xiaomi क्लेम कर रहे हैं, मुझे अपने वीडियो में जब मैंने उसको बेंड किया तो वैसा नहीं महसूस हुआ। फोन जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि कमजोर है, कमज़ोर का मतलब ये कि उस के अलावा जो बाकी फ़ोन्स हैं, क्या पता वो बैंड हों, क्या पता वो बैंड ना हो उस प्राइस रेंज में, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, Xiaomi ने इतना क्लेम किया, उतना मेरे को नहीं मिला उस वीडियो में जब मैंने उसको बैंड किया, तो वो बैंड हो गया था। लेकिन अगेन, अगर आप बात करते हैं नॉर्मल डे टू डे यूजेज की, तो कोई आप ऐसे फ़ोन को बैंड तो करेंगे नहीं, आप इस फ़ोन को नॉर्मल रखेंगे और नॉर्मल यूज़ करेंगे, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा। बस प्राइस का वेट करो, जब आए तब अपना फैसला बनाना कि आपके लिए Redmi Note 7 या Note 7 Pro या देखें Xiaomi कब क्या किस प्राइस लेके आता है, उसके हिसाब से आपके लिए बेहतर डिवाइस कौन से वाला होगा। बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है यहां पे शुभांकर पुद्दार ने, ये बोलते हैं गुरुजी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OS एंड UI। यार देखो, OS तो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल आपका जो एंड्रॉइड है वो तो है OS। अब आप बात करते हो UI की, तो वो है यूजर इंटरफेस, जो सेट ऑफ ग्राफिक्स, जो सेट ऑफ स्क्रीन्स आपको दिखते हैं, जिसके थ्रू आप इंटरैक्ट करते हैं, जो आपके सामने आता है वो हम बोलेंगे यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जांपल फन टच है या कलर ओएस है, तो कलर जो ओएस है वो बेसिकली एक यूजर इंटरफेस में कहूंगा, जहां पे मतलब आपको जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जिस तरीके से जो चीजें हैं, तो वो हो गया आपका यूजर इंटरफेस। लेकिन जो ओएस है, जो बैकग्राउंड में चल रहा है, वो तो डेफिनेटली कलर ओएस के अंदर, या फिर बात करते हैं सैमसंग एक्सपीरियंस, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग का वन UI है, उसका नाम है सैमसंग वन UI कि वो एक यूजर इंटरफेस है। लेकिन अगर आप बात करें बिहाइंड द सीन्स, तो फिर चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर सैमसंग हो या फिर कलर ओएस हो, सभी के अंदर जो नीचे की तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो एंड्रॉइड ही है। तो यहां पर दोस्तों फिलहाल जो है वीडियो बंद नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, आराम से लंबी बात करने वाले हैं। ऑल्दो यहां पे भी 45 मिनट और 31 सेकंड हो गए हैं, लेकिन जो मैं सवाल पिक कर रहा था वो तो खैर लिस्ट पूरी खत्म हो गई है यहां पे। तो अभी हम बात करते हैं ट्विटर की, या फिर आप अगर कहें तो मैं सामने सीधे वहीं से सवाल उठा लूं, बिकॉज ट्विटर पे शायद आप वीडियो देखते देखते जो है वो खोल के ट्वीट ना कर पाएं, तो मैं सीधा खोलता हूं अपने इस वीडियो को और चैट में से जो सवाल है वो पिक करता हूं। और अगेन आपसे वही रिक्वेस्ट कि सुपर चैट ना कीजिए, अभी के लिए ना कीजिए, आगे आपको बताऊंगा कि कब कहां कैसे करना सुपर चैट, जिसका ज़रूर हम एक बेहतर उपयोग करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार अपना चैनल खोलता हूँ और मैं जाता हूँ लाइव स्ट्रीम पे, ताकि मैं देख पाऊँ कि हाँ भाई आप जो है वो क्या सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे सामने मुझसे डायरेक्टली इसी लाइव चैट के दौरान। आई होप कि आपको इस टाइम पे ऑडियो वीडियो वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सभी एकदम बेहतर तरीके से मिल रही होंगी, और इसी के चलते आप एंजॉय कर पा रहे हैं बड़े आराम से इसी लाइव स्ट्रीम को। कितना बोलता हूँ यार, कई बार तो खुद से ही थकान हो जाती है। चलो तो अभी इस, अरे क्या बात है, इतना क्लियर तो मतलब मजा आ गया यार, नजर ना लगे बस। मैं एक बार इसको पॉप आउट कर लेता हूं, और यहां पे अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, बिकॉज अभी जेन्युइन वाला लाइव इंटरेक्शन होने वाला है। मैं आप ही के सवालों के, आप ही के सामने जवाब दूंगा ऐसी वीडियो को देखते देखते, तो आप बस जल्दी से जो है वो अपना सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ाओ अच्छे तरीके से। और अभी हम बात करते हैं सामने येलो बेस्ट फोन अंडर 8K फॉर गेमिंग, रियलमी C1 ले सकते हो यार, काफी अच्छा फोन मिलेगा मेरे ख्याल से आपको गेमिंग के लिए। ये पूछा था सवाल किसने, अरे यार वो तो निकल गया ऊपर। फैक्ट्स टैलेंट बोलते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें समय लूंगा और मैं आपको जवाब दूंगा। फैक्ट्स टैलेंट बोलते हैं गुरुजी पुलवामा पर भी बोल दो। मेरे भाई आप जो भी हैं, मैं आपका नाम तो खैर नहीं जानता, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बोल दिया है, हम जितना बोलें उतना कम है, हम सभी के मन में गुस्सा है, सभी के मन में आक्रोश है, लेकिन
हमको उस पे अभी फिलहाल के लिए काबू करना होगा, हमको हमारा काम करना होगा ईमानदारी से। हम सभी को बुरा लगा है, जितना आपको लगा है उतना ही मुझे लगा है। मैं तो इनफैक्ट जिस जगह से आता हूँ ओरिजिनली, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं उस परिवार से हूँ, मैं उस जाट परिवार से हूँ जिस परिवार में हर एक परिवार से कोई ना कोई, एक ना एक, दो ना दो, मतलब मेरे पूरे गाँव से, मेरे पूरे रीजन से, हर एक घर से एक इंसान भारतीय सेना में है। हर एक घर से मैं खुद वो इंसान हूँ। जब मैं 23 साल का था, 23 नहीं, जब मैं 20 साल का था, सॉरी 23 नहीं, जब मैं 20 साल का था तो मैं इलाहाबाद आया था और मैं इंडियन आर्मी SSB के लिए गया था, जहाँ पे मैं लास्ट डे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वहाँ से मैं कॉन्फ्रेंस आउट, उसको हम बोलते हैं, मैं वो हुआ। अदरवाइज मेरी खुद की ये उस टाइम पे तमन्ना थी कि मैं बस भारतीय सेना ज्वाइन कर सकूँ, और मैं ये चीज़ करता भी अगर उस टाइम पे मैं और दोबारा ट्राई करता, लेकिन फिर चीज़ें कुछ और बदली, मैं कहीं और गया, कुछ और काम हुए। लेकिन मैं उस जगह से आता हूँ, मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे मेरे खुद की, अगर हमसे बात करता हूँ रिलेटिव्स की, तो कम से कम 20 से 25 नाम तो अभी मेरे सामने याद आते हैं जो आज की डेट में भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो कहीं बॉर्डर से दूर भी हैं लेकिन वो भारतीय सेना का हिस्सा हैं। और काफ़ी जो हैं वो मेरे रिलेटिव्स कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी जैसे रिटायर होने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं पुलवामा के बारे में बोलने की, तो यार देखो ये चीज़ ना कुछ मजाक नहीं है, ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। ये वो चीज़ है जिसका मतलब वजन इतना ज्यादा है ना कि हम संभाल नहीं सकते। वो शब्द जो है ना, उसको आप कंपाइल करके कुछ एक मैसेज बना के व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं कर सकते। मैंने देखा है जब से ऐसा कुछ भी होता है, ये अभी का एक हादसा है, इसके अलावा पहले भी जब जब जैसे जैसा ऐसा हुआ है ना, मतलब ये लोग इस चीज को काफी ऐसे होते हैं जो कमर्शलाइज करने का सोचते हैं कि मतलब, क्योंकि ये एक अभी ऐसी चीज है जो फिलहाल चल रही है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब क्यों ना हम भी इसके बारे में बात करें, क्यों ना हम भी इसके बारे में वीडियो बनाएं। फिर चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो बाकी चीजें हों, चाहे वो न्यूज पेपर्स हों, सभी के सभी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को कमर्शलाइज जब करते हैं तो वो बुरा लगता है। हम सभी को मालूम है क्या हुआ है, हम सभी को मालूम है बहुत गलत हुआ है, हम सभी को मालूम है कि हमारे अंदर गुस्सा है और दुख भी है, लेकिन हम इस चीज को व्हाट्सएप पे 4 मैसेज फॉरवर्ड करके या इंस्टाग्राम पे 4 फोटोज लगा के, ये नहीं करना चाहिए हमें। हमें मदद करनी चाहिए, जो मैंने की, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी की होगी, या अगर नहीं की है तो आप कीजिए। और बस इतना ही कहना है यार, मतलब क्या बोलूँ इस चीज के बारे में, मतलब कितना बोले उतना कमी है ना, मतलब क्या 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 बोलेंगे यार। आपको क्या लग रहा है इस टाइम पे, जैसा आपको लग रहा है वैसे मुझे लग रहा है, वैसे हम सभी को लग रहा है, लेकिन इतना भी पूरा भरोसा है, इतना भी पूरा भरोसा है कि जल्दी ही इसका जो है वो सही जो है वो नतीजा आएगा, जहाँ पे एक करारा जवाब मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, बिकॉज जो ये घटिया लोग हैं ये यही डिजर्व करते हैं जिन्होंने ये पूरा काम किया। और ऐसे में इनको बहुत बार हमने पहले भी जवाब दिया है, आगे भी जवाब दिया जाएगा, हम मजबूत डटकर खड़े हैं। लेकिन फिलहाल के लिए वो 4 मैसेजेस भेज के और बस अपनी एक कुछ बात कह के, इस चीज का अगर हम मतलब इतना वजन कम ना करें तो शायद बेहतर होगा। ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है, और इसी को लेके अगर हम इसकी गंभीरता को समझें तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। तो पूछा है यहाँ पे धीरज नारंग ने, बोलते हैं कोलैब विद मो व्लॉग्स। धीरज भाई जरूर जल्दी ही कोशिश करूंगा कि हम जो है वो कुछ एक वीडियो में साथ आए और लेके आते हैं जल्दी वीडियो, आपको काफी अच्छा लगेगा। बात करते हैं अगले सवाल की। तो रंजीता पंडा ने पूछा है कि विच इज़ योर फेवरेट फ़ोन टिल नाउ। यार मेरा जो सबसे अच्छा फ़ोन था वो था नोकिया का E90, जिसको मैंने बहुत यूज़ किया, मुझे काफ़ी पसंद भी आया वो फ़ोन। मैं वो फ़ोन आज भी यूज़ कर सकता हूँ अगर सिर्फ उसमें व्हाट्सएप का सपोर्ट मिल जाए। खैर जानता हूँ आज के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा फ़ोन को यूज़ करना, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफ़ी मुझे अच्छा लगा था यूज़ करके नोकिया का E90। और ये मैंने यूज़ किया जब मैं कॉलेज में था, शायद फर्स्ट सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में शायद। अगला सवाल है यहाँ पे, भाई इंट्रो कब चेंज करोगे, ये किसने पूछा। यार यार ये तो ऐसे निकलते हैं ना, मतलब धड़ 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 पढ़ भी नहीं पाए इंसान। जल्दी करते हैं इंट्रो भी जो है वो जल्दी ही चेंज करते हैं। गैलेक्सी S10 यूज़ किया क्या, सैयद उमर अली बोलते हैं। सर सैयद मेरे भाई, मैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बोल सकता, क्या बोलूँगा मैं। सैमसंग S10 हो या S10 Plus हो या कितने फ़ोन आ रहे हैं, क्या आ रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अगला सवाल है कहाँ गया,
सुमिरन दहल बोलते हैं कि गौरव भाई गूगल के बजट डिवाइस आने वाला है, इनके बारे में क्या इरादा है? यार गूगल का जो बजट डिवाइस है वो पिक्सल 3 लाइट एक तो चीज़ हो गई है, लेकिन फिर वो बजट नहीं होगा, वो डेफिनेटली मिड रेंज होगा और वो एक प्रीमियम मिड रेंज डिवाइस होगा, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, गूगल ने किसी कंट्री में, नाम मैं भूल रहा हूँ, एक फ़ोन लॉन्च किया था 500 रुपये की कीमत के आसपास, जियो फोन की तरह वो एक फ़ोन था, वो शायद इंडिया में आए या फिर गूगल शायद वो इंडिया में ना लेके आए, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर गूगल कोई काम करता है, और अगर गूगल कोई काम करता है मास स्केल पे बहुत सारे लोगों के लिए, तो जरूर उसके पीछे एक अच्छा मैसेज होता है, और मतलब वो गूगल सोच समझ के लेके आता है। तो जो भी गूगल लेके आएगा, मैं डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होगा, और मतलब काफी लोगों की वो चीज मदद भी करेगी, फिर चाहे वो 500 रुपए का फोन हो या फिर 2000-3000 का फोन हो। बात करते हैं अगले सवाल की। तो पूछा है यहाँ पे वैभव सक्सेना ने, बोलते हैं कि सर वीवो V15 Pro अपडेट प्लीज, अनबॉक्सिंग एंड प्राइसेस। यार वैभव सर तो मत बोलो पहली बात, और जहां तक बात है वीवो के V15 Pro की, अपडेट क्या दूं यार, सब कुछ तो बता दिया है वीवो ने कि ट्रिपल कैमरा होने वाला है, 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर है सैमसंग का GM1, 32 मेगापिक्सल की सेल्फीज होने वाली हैं, पॉपअप सेल्फी कैमरा होने वाला है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिख ही रहा है, बिकॉज पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है नहीं, और वीवो तो ये काम करता रहता है। तो इतनी सारी बातें हैं, अनबॉक्सिंग आएगी 20 तारीख की सुबह या दोपहर, यार जब भी जैसे लॉन्च इवेंट खत्म होता है वैसे ही, और फोन पीछे पड़ा है वैसे वहां पे वीवो का V15 Pro, अभी आपको दिखेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा कि वहां पे बॉक्सेस कितने कितने हैं, लेकिन हाँ फोन पीछे ही है, और प्राइस अभी आपसे नहीं शेयर कर सकता, जब अनबॉक्सिंग आएगी तो आपको मालूम चल जाएगी। बात करते हैं अगले सवाल की। तो पूछा है यहाँ पे माइक्रो फोटो सर, आप स्ट्रीम बिट कम क्यों है? यार स्ट्रीम का जो बिट रेट है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं सीधा अपने मोबाइल फोन से लाइव कर रहा हूँ, यूट्यूब लाइव का यूज करके, तो ऐसे में जो है जैसा है बस ऐसा ही है। लेकिन हाँ, कोशिश करूंगा आगे से लाइव को और इम्प्रूव करने की, जिसके बाद में आप इसको और बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। बीच बीच में हम कभी 1-2 हफ्तों में लाइव किया करेंगे, इसके अलावा कभी कभी जो है वो हम रिकॉर्डेड जो है वीडियो वो देखा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जैसा है, होटल की इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ 4-5 Mbps के आसपास की स्पीड है, और बस जो है वो आप वही देख पा रहे हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे कहाँ गया, साहिल कुलारिया ने, बोलते हैं कि हाय भैया, हाउ आर यू एंड हाउ टू बिकम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड बेस्ट ऐप फॉर वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, थैंकिंग यू गुरुजी। साहिल भाई देखो, पहली बात तो ये कि कोई ऐप ना बेस्ट नहीं कह सकते आप, मतलब ये तो वही बात हो गई कि यार ये खाना बनाने के लिए, तो यार कढ़ाई चाहे कोई भी हो, अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप किसी भी कढ़ाई में सेम काम कर पाएंगे। तो वैसे ही मतलब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग ऐप की, तो यार फाइनल कट प्रो से लेके एडोबी प्रीमियर प्रो से लेके फिल्मोरा से लेके कैमटेशिया तक या साइबरलिंक पावर एडिटर तक, मतलब बहुत सारी ऐप्स हैं, और सभी ऐप्स में लगभग आप सही सभी काम जो है वो सही तरीके से कर पाएंगे। हाँ कुछ कुछ लिमिटेशन तो खैर होती हैं, लेकिन इसमें आप जो है एडिटिंग पे अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए, वो एग्जीक्यूशन जो है वो करने के लिए आपको जो टूल चाहिए वो टूल चाहे कोई भी हो, आप वो चीज एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जहां तक बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने की, तो यार मुझे क्या इतना नॉलेज नहीं है फोटोज के बारे में, लेकिन हाँ अगेन आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास में अगर एक स्मार्टफोन है तो आप आगे लेंसेज का जो सिस्टम होता है वो लेके आ सकते हैं, या फिर आप एक कोई DSLR ले सकते हैं, उसके बाद में अपने आसपास का कोई अगर पार्क हो गया या कुछ अगर कोई जू वगैरह हो गया, वहां पर एक बार जाके देखिए कि आप क्या शूट कर सकते हैं, कि पार्क में किसी आप चिड़िया की भी फोटो ले सकते हैं क्या ढंग से अच्छे तरीके से, वहां पर अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, सीखिए समझिए नया नया कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके बाद में आप बाद में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, जो बहुत सारे आपका इंडिया में ही हमारे पास में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, नेशनल पार्क से आप वहां जा सकते हैं, वहां आप जब लाइव होंगे मैदान में तो आप चीजें सीख सकते हैं, और उसके बाद में डेफिनेटली अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हुए ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा हालांकि आपको इस चीज में, लेकिन हाँ अगर आप पैशनेट हैं तो जरूर आप बहुत बेहतर फोटोज क्लिक कर पाएंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे कहाँ गया, इतने निकल रहे हैं ऐसे समझ नहीं आता कि सवाल क्या लें और क्या ना लिया जाए। नीरज बोलते हैं, नीरज कसाट ये बोलते हैं कि बोलो गुरुजी भाई, हमें आपकी वीडियो से बहुत टेक्निकल नॉलेज मिलता है, सो विच टाइप ऑफ जॉब आई कैन डू, अगर मेरे पास नॉलेज है जो आप हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। आप शायद एक टीचर बन सकते हो, हाँ वो एक फॉर्मल डिग्री नहीं है, लेकिन हाँ आप जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हो, आप एक वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, आप
अपने आसपास किसी को सिखा सकते हो, तो आप ट्यूशंस ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऑल्दो ये कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ये सिर्फ यही है कि मेरी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैं आप तक अगर कुछ बातें कह पाऊँ, कुछ अगर बातें पहुँचा पाऊँ, क्योंकि मैंने कुछ कुछ सीखा है जब मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। तो उस टाइम पर मुझे लगता था कि यार हमेशा से कि क्यों ना वो बातें मैं आप तक शेयर करूँ। इनफैक्ट जहाँ तक बात है पढ़ाई करने की, ये बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो आप अभी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ऑल्दो खैर बाद में बात चली जाएगी, तो इस बात को ध्यान से सुनना, मैं शायद दोबारा कॉलेज में जाऊँ। ऐसे मूड हुआ एक बार क्या, थोड़ा सा और पढ़ाई की जाए, थोड़ा सा और जो है वो मैं अपना कोई कोर्स एक नया स्टार्ट करूँ, तो शायद मैं दोबारा क्लासेस अटेंड करूँ, शायद मैं दोबारा कॉलेज जाऊँ, और शायद वो चीज़ हो तो आपको वो चीज़ जो है मैं आपको बताऊँगा अपडेट करके कि हाँ मैं क्या नया सीखने वाला हूँ अभी क्लासेस में जाके। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, हाउ इज AI यूजफुल इन बिजनेस, ओमकार तानपुरे ने। ओमकार काफ़ी आपका इंटेलिजेंट सवाल है, और ऐसे में अगर आप बात करते हैं AI की बिजनेस में, तो यार ज़रूर काफ़ी सारी जो है वो जगहों पे AI को काम में लिया जा सकता है। फिर चाहे आप बात करें कस्टमर्स के बारे में उनका इंटरेस्ट पता लगाने की, चाहे आपके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की, चाहे आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करने की, चाहे आपका एक रेस्टोरेंट है तो कैसे कुछ उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, बहुत सारी जगहों पे, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बिजनेस कि आप किस तरह के बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है या बिजनेस टू कंज्यूमर है, B2C कैटेगरी में आता है, किस टाइप का आप अप्रोच रखते हैं, बहुत सारी जगहों पे AI इनफैक्ट बिजनेस ही नहीं, इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी जगहों पे काम में ले सकती है, और ऐसे में एग्जांपल्स एंडलेस हैं, कितना बोले और कितना ना बोले। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे विजय पाटिल बोलते हैं, गुरुजी क्या एप्पल USB-C टाइप पोर्ट यूज़ करेगा दिस ईयर फॉर आईफोन। यार विजय कुछ रूमर्स बोल रहे थे कि हाँ करेगा, जो कि लगता भी है लॉजिकल, बिकॉज जो आईपैड है, इनफैक्ट मेरा आईपैड याद आया कि चार्ज शायद पूरा फुल हो गया है, तो जो आपको ये आईपैड में मिलता है टाइप सी, तो ऐसे ही शायद टाइप सी आना चाहिए आईफोन में, लेकिन फिर कुछ रिपोर्ट्स बोलती हैं कि नहीं इस बार भी टाइप सी नहीं आएगा, इस बार भी नॉर्मल लाइटनिंग वाला ही आएगा। तो खैर करे तो गा, इस साल नहीं तो अगले साल करेगा, कहीं तो करेगा, और उसके बाद में जो है वो बेहतर तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे हमारे आईफोन्स को। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, कहाँ गया, ज्ञान हब स्टडी बोलते हैं, सर आप यूट्यूब के अलावा क्या करते हैं। पहली बात तो सर मत बोलो, यूट्यूब के अलावा मेरे को सर सुनना बहुत बुरा लगता है। जहाँ तक हम बात करते हैं मेरे काम की, तो यार मैंने बहुत बार पहले वीडियोस में बताया है और अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, और आप जानते ही हैं अगर आप फॉलो करते हैं, आपको मालूम होता है कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रहा हूँ। मेरा अपना कुछ एक परिवार का बिजनेस है, हम अलग अलग चीज़ों का काम करते हैं, और ऐसे में मेरा अपना भी एक बिज़नेस है जिसको मैंने शुरू किया था मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद में। तो मेरा बिज़नेस संभालता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ, घूमता फिरता हूँ, मस्ती करता हूँ, प्यार बांटता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, और YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मिलजुल के करता हूँ। बेसिकली जो है वो बिज़नेस अपना जो है वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और बस इसी में दिन निकल जाता है, और यही है जो मैं करता हूँ। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, मिड रेंज फ़ोन फॉर ब्लॉगिंग। रोशन आपने शायद ब्लॉगिंग लिखना था, अगर आप बात करते हैं ब्लॉगिंग की, तो यार आइडिया नहीं है कि आप किस तरीके से यूज़ करना चाहेंगे अपने फ़ोन को। ब्लॉगिंग की अगर आप बात करते हैं, तो आज के डेट में यार जो मिड रेंज फ़ोन्स हैं सभी में काफ़ी अच्छे कैमराज हैं, और ऐसे में आप देखिए कि जो फ्रंट कैमरा है वो वीडियो के लिए किस फ़ोन का सबसे ज़्यादा आपको वाइड एंगल का मिलता है। ऑल्दो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, बिकॉज कुछ में फ़ोटो अच्छी आती है तो वीडियो अच्छी नहीं आती है, लेकिन हाँ आपको देखना पड़ेगा कि किसका अच्छा लोलेट परफॉर्मेंस है, कौन थोड़ा सा वाइड एंगल साथ में आता है, और उसके बाद में आप ज़रूर बेहतर फ़ोन चूज़ कर पाएंगे व्लॉगिंग के लिए। वैसे आप किसी भी फ़ोन से शुरू कर सकते हैं, आईफोन का इन जनरल जो है वीडियो क्वालिटी, मतलब ये नहीं कहूँगा बेस्ट है, वाइड वाइड भी नहीं होता उसका, लेकिन काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा होता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो बाकी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं किसी भी प्राइस के, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आईफोन का इसलिए नाम लिया बिकॉज कुछ आईफोन्स जो हैं वो पुराने सस्ते मिलते हैं, तो एटलीस्ट सिर्फ वीडियो के लिए तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, भैया मैं IAS बनने के बाद में YouTube चैनल बना सकता हूँ ना, नितेश कुमार बोलते हैं। ज़रूर यार, ज़रूर आप बना सकते हैं YouTube चैनल, जब एक बार IAS बन जाते हैं तो शायद आपके
से आपको आईएएस बनने के बारे में जो है वो कहा जा रहा है, और आप जो है वो चाहते हैं यूट्यूब पे आना, या जो भी बात है जैसा भी आप चाहते हैं आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, आप जरूर दोनों का एक साथ कर सकते हैं। आप आईएएस भी बन सकते हैं, मेहनत कीजिए उसके बाद भी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करते हैं अगर यूट्यूब की, तो यूट्यूब तो आप कभी भी, आप आईएएस के आप कुछ भी करते हुए साथ साथ यूट्यूब कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है यार। लोगों को अक्सर लगता है कि यूट्यूब मुश्किल है, कुछ को लगता है कि हाँ ये मजाक है, जरूर मजाक तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप जरूर कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं एक आधा सवाल और लेता हूँ, और ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया हमको बात करते हुए, तो मैं बस अभी अपना डिनर भी शुरू करूँगा बिकॉज रात के 10 बज चुके हैं, और खाना पीना खा के सो जाऊँगा बिकॉज सुबह से बहुत जल्दी जल्दी से मेरे को काम करना पड़ेगा अपना बाकी। तो आज लास्ट जो सवाल है ना वो ले लिया, किसका 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 नारायणी अमृत दारा बोलते हैं, सर यू आर सो क्यूट, अरे हम सभी क्यूट हैं, हम सभी अच्छे हैं यार, सभी लोग अच्छे होते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अगला सवाल अगला सवाल कहाँ गया यार, ऐसे निकल रहे ना, हाय हेलो हाय हेलो, मेरा सवाल हाय हेलो हाय हेलो, कहाँ रे यार। ओह इतने निकल जाते ना लाइव में कभी। कैन वी एक्सपेक्ट विंडोज फोन इन फ्यूचर, करण यादव ने बोला है। करण यार चांस तो नहीं लगता कि हम फ्यूचर में विंडोज फोन देखेंगे, मतलब अब हो गया यार, कहानी पूरी निकल गई विंडोज फोन की, और मैं क्या बोलूँ अभी, तो मतलब बस विंडोज फोन तो नहीं 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 देख पाएंगे हम शायद फ्यूचर में। हाँ क्या पता, खैर मतलब चीज़ें कुछ ही बदल लेंगे, फिलहाल के लिए एंड्रॉयड इतना बड़ा है ना, आईओएस इतना बड़ा हो गया है, साथ में फ्यूशिया ओएस वगैरह अगर आता है तो वो भी काफ़ी बड़ा बनेगा। कंप्लीट ओएस के लिए शायद अभी मार्केट में जगह नहीं है, तो हम लगता नहीं है कि देख पाएंगे विंडोज वाले बेस्ड कुछ फोन्स। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, गुरुजी चंडीगढ़ कब आओगे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मलकियत सिंह ने पूछा है। तो मलकियत भाई चंडीगढ़ के बारे में आज शाम को ही जिक्र हो रहा था, हम कुछ मीटअप्स प्लान कर रहे थे तो ऐसे में नाम आया निकल के, भोपाल चलना चाहिए, लखनऊ चलना चाहिए, पटना बेगूसराय वगैरह चलना चाहिए, तो उसमें चंडीगढ़ का नाम भी ज़रूर था। कोशिश करेंगे जल्दी चंडीगढ़ आने की, उसके बाद में जल्दी आपसे बात करने की, जल्दी आपसे मिलने की। और ऐसे में आयुष बोलते हैं कि बालों में मैं क्या लगाता हूँ, तो आयुष बालों में क्या लगाता हूँ मैंने पिछले संडे Q&A के अंदर बताया है, अगर आपने जाके नहीं देखा तो जाके देख लो, बॉटल है मैंने पूरी यूं दिखाई है कि भैया मैं ये लगाता हूँ बालों में, और ऐसे में बाल कैसे हैं जैसे भी हैं, मतलब बस बने रहते हैं थोड़े से। आई एम नॉट श्योर कि केमिकल्स कितने अच्छे हैं हमारे लिए, ऑल्दो अभी के लिए तो यार अच्छा लगता है तो मैं बालों में वही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बस फिलहाल इसी नोट के साथ में वीडियो एंड करना चाहूँगा, जहाँ पे ख़त्म करते करते आपके लिए यही एक मैसेज रहेगा मेरी तरफ से कि हम कुछ अच्छा एक जो है वो काम करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। आप तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, मेरी प्लानिंग आज की थी, आज हो नहीं पाया किसी कारण से, लेकिन बहुत जल्दी होगा। जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों की, तो आप सभी जानते हैं फिलहाल देश के हालात कैसे हैं, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम वो कहना चाहूँगा कि आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, और कुछ मदद हो सकती है तो वो ज़रूर कीजिए, चाहे वो छोटा एक 10 रुपये 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन हो आपकी पॉकेट मनी में से निकाल के, या फिर आप बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी अमाउंट की, आप ये सभी काम भारत के वीर .gov.in या फिर पेटीएम पे अगर आप जाएंगे तो आपको क्लियर वहाँ पे शॉर्टकट मिल जाएगा, जिसके चलते आप डोनेट कर सकते हैं अपनी तरफ से, जितना आपकी तरफ से कैपेसिटी है वो पैसा जो है वो आप पहुँचा सकते हैं इंडियन आर्मी को CRPF रिलीफ फंड के लिए। आप दोस्तों इनफैक्ट भारत के वीर के मतलब वेबसाइट पर जाने के बाद में जो भी सैनिक शहीद हुए हैं आपको वहां पे उनकी पूरी एक लिस्ट मिल जाती है, तो आप सीधा जो अपना पैसा है वो उनके परिवारों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि पैसा जो है वो कुछ चीज रिप्लेस नहीं कर देता है, जो जिसने खोया है वो अपनी जगह पे एक अलग चीज है जिसको हम पैसे से बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकते, जिसकी जान गई है तो वो एक गहरा सदमा है, एक बहुत दुख और गुस्से की बात भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जरूर पैसा कुछ चीजें आसान कर देता है। तो अपनी तरफ से दोस्तों जो मदद है वो आगे फैलाते रहिए, जितना आपका बस हो जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप अपनी तरफ से ये चीज करते रहिए। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा, खैर कल तो सुबह एक नॉर्मल वीडियो जो आता है वो आएगा ही, लेकिन शाम के लिए कुछ चीज़ मैंने सोची है, उम्मीद है वो हम कंप्लीट करेंगे, और ऐसे में काफ़ी सुकून मिलने वाला है, कल की नींद मुझे अच्छी आएगी आपको अच्छी आएगी, और आगे चल के उम्मीद करते हैं कि हम सभी मिलके साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे किसी भी प्रॉब्लम की सिचुएशन में। और
जरूर हम जो फेस करते हैं, जो हमारे साथ में सही नहीं होता है, उन सभी का जवाब जरूर लिया जाएगा। ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम इस लायक बने रहें कि हम उन आतंकवादियों को, हम उन घटिया लोगों को जरूर जल्द से जल्द जवाब दे पाएं, और ऐसे में जो हमारी सेना है वो डट कर मुकाबला करती रहे। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।